ऑप्शन ट्रेडिंग 30 डेज चैलेंज के 10 वीडियोस में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे मैं आप सभी को 30 डेज पेपर ट्रेडिंग ऑप्शंस में दोस्तों करके दिखा रहा हूं और ये दोस्तों उसका 10 वीडियो है। तो फ्रेंड्स रेगुलरली इस चैनल पे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और फ्रेंड्स 30 दिन तक लगातार होंगे। उसके बाद फिर हम ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे कि हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रॉफिट में रहें या फिर लॉस में रहें। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों हम यहाँ पे निफ्टी में बाइंग का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं स्क्रीन पर, आप सभी को ऑल प्रोसेस हम दिखाते हैं कि क्या आज का ट्रेडिंग रहने वाले हैं। जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए दोस्तों मैं सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ और दोस्तों ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए और ओनली दोस्तों पेपर ट्रेडिंग में आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स देख सकते हैं आज फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और देख सकते हैं 250 रुपये का यहाँ पे माइनस, मतलब कि 10 पॉइंट हमें जो है मतलब लॉस हो गया। दोस्तों मार्केट में कुछ फिलहाल का जो अगर आप देखें साइडवेज टाइप से चल रहा है, कुछ अलग ही मतलब कि चल रहा है। ठीक है, जो भी पैटर्न बन रहा है वहाँ से अगर आप ले रहे हो फिर भी मतलब कि जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए अभी तो देख सकते हैं दोस्तों हम जो बाय किए थे यहाँ पे टाइमिंग आपको दिख रहा होगा 9:27 पे हमने यहाँ पे बाय किया था, 193 पॉइंट यहाँ पे 50 पैसा चल रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर देख सकते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस हमने 28 पे लगाया, 9:28 पे, और उसके बाद फिर दोस्तों 9:28 में ही हमारा ट्रेड क्लोज हो गया, मतलब स्टॉप लॉस जो है हमारा हिट हो गया। थोड़ा सा आप ऊपर देखेंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, जो स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट किया वो क्या है देख सकते हैं, निफ्टी 27 जून यहाँ पे दिख रहा होगा 2024 23,300 स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट, 25 क्वांटिटी हमने लिया था, 1 लॉट से दोस्तों मैं ट्रेड कर रहा हूँ आपको पता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस 183.50 पे रखे हुए थे, तो इतना आप देख चुके हैं, एंट्री भी आपको नज़र आ चुका है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं इधर लैपटॉप के स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि लॉस होने का रीज़न क्या है और फिलहाल लॉस क्यों हो रहा है। तो चलिए शुरू। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है, तो दोस्तों आप ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पे या फिर लैपटॉप पे ओपन कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ ट्रेडिंग व्यू में। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे मैं निफ्टी का जो चार्ट है वो ओपन किया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे जो यहाँ पे क्लोज हुआ था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस जगह पे प्रीवियस क्लोजिंग हुआ था। इस कैंडल पे आप ले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लोज कहाँ हुआ था, तो करीब दोस्तों 23,453 पे जो है प्रीवियस क्लोज हुआ था। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम ओपनिंग की बात करें नेक्स्ट डे, मतलब कि दोस्तों आज का ओपनिंग की बात करें तो 23,393 का ओपनिंग है, मतलब कि दोस्तों काफ़ी नीचे ये ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर गया, फिर दोस्तों यहाँ पे डाउनफॉल हुआ और उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं पूरा यहाँ तक ऊपर गया। यहाँ पे दोस्तों जो आप सपोर्ट देख रहे हैं और ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो बेसिकली प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे हमने मार्क करके रखा है। तो फ्रेंड्स अगर देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे अगर मार्केट इधर चला जाता, जैसे देखिए यहाँ पे आया फिर से रिटेस्ट करके फिर से नीचे अगर इधर आता तो दोस्तों यहाँ से जो है प्रीवियस डे का जो है वो लो मतलब कि एक तरह से क्लोज कर रहा है, तो दोस्तों पूरा डाउनफॉल आने की संभावना थी, डाउनफॉल होने की संभावना थी। लेकिन दोस्तों यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऐसे गया सपोर्ट पे, ऐसे कुछ गया और एन पैटर्न बना के सीधा दोस्तों यहाँ से ऊपर चला गया। तो फ्रेंड्स हमारा लॉस कहाँ हुआ वो मैं आप सभी को बताता हूँ। ठीक है, तो हमने बाय किया था 9:27 पे, तो अगर दोस्तों हम टाइमिंग की बात करें 9:27 तो देखिए कौन सा कैंडल में 9:27 यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए ये दोस्तों आपको 9:25 दिख रहा है, ये 9:27 दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हमने एंट्री लिया था, इस जगह पे एंट्री हमने लिया था 9:27 में इस वाले कैंडल में, ये वाला। तो फ्रेंड्स हमारा एंट्री करने का रीज़न था वो काफ़ी सिंपल था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 9:27 का कैंडल कौन सा है, ये वाला, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है 9:27 का कैंडल है, ये जो आपको ऊपर में दिख रहा है, थोड़ा सा मैं आप सबको दिखाता हूँ, ये कैंडल जो है 9:27 का कैंडल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसलिए एंट्री मारा क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कैंडल है ये लोअर बैंड जो आपको दिख रहा है वो लगभग दोस्तों ये देख सकते हैं इसका सपोर्ट है यहाँ पे और इसका बाहर में बना है। ठीक है, इसके बाहर में 3 कैंडल लगभग बन गए हैं 1 मिनट का। ठीक है, वो लोअर बैंड के बाहर आपको बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ से मार्केट कुछ यहाँ पे गया और यहाँ पे हमें लगा कि और ऊपर जाएगा, अब दोस्तों जो है मार्केट ट्रेंड में आने वाला है, अब ऊपर जाएगा, क्योंकि दोस्तों स्ट्रेटजी मेरा 2-3 जो है वो सिंपल है, मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूँ बोलिंजर बैंड का। तो यहीं पे दोस्तों मेरा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे मैं बाय किया हूँ। ठीक है, ऊपर में यहाँ पे मैं एंट्री मार लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल जो है पूरा इतना यहाँ पे बड़ा बन गया और नीचे गिर गया मार्केट, मेरा तुरंत ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, 9:28 में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया इसी कैंडल में दोस्तों। ठीक है, इस कैंडल के इधर में मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया, 9:27 में हमने एंट्री लिया और 9:28 में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा मार्केट पूरा यहाँ से यहाँ गया और उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर ट्रेंड मार्केट में आया देखिए कहाँ पर गया, देखिए मार्केट तो ऊपर गया और ये जो स्ट्रेटजी काम करता है और दोस्तों किया भी, देखिए
मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि यहाँ से ऊपर गया थोड़ा, यहाँ पे जब मैं एंट्री लिया उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट रिटेस्ट किया और यहाँ से देखिए पूरा ऊपर मार्केट चला गया, ठीक है। वो भी दोस्तों यहाँ पे जो है प्रीवियस डे के हाई के ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, हाई ब्रेक नहीं कर पाया है, इसी में दोस्तों यहाँ पे रेंज में मार्केट रहा है। ब्रेक तो कर दिया है, देखिए यहाँ तक ब्रेक किया है लेकिन इसी के अंदर में रहा है, मतलब साइडवेज आप यहाँ से मान सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से पूरा जो है साइडवेज रहा है। इस जगह से देखिए यहाँ से मार्केट पूरा जो है इधर साइडवेज रहा है, बाकी का थोड़ा सा जो है यहाँ पे दोस्तों ट्रेंड मिला था पैसे कमाने का इधर थोड़ा सा था, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक कैंडल यहाँ पे बाहर बना है और उसके बाद फिर ऊपर गया, रिटेस्ट यहाँ पे किया और उसके बाद फिर देखिए पूरा यहाँ पे दोस्तों ऊपर गया मार्केट, ठीक है। तो फ्रेंड्स 5 मिनट के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पे कोई ज़्यादा मतलब कि एंट्री लाइक यहाँ पे चीज़ ही नहीं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि 2-3 कैंडल बाहर नहीं बना था 5 मिनट का, फिर भी मैं एंट्री ले लिया तो उस हिसाब से यहाँ पे देखने को मिला भी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ मूवमेंट नहीं रहा मार्केट में। बाकी का देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ की बात करें 5 मिनट के हिसाब से आप देखिएगा तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था इस जगह से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका ट्रेंड लाइन के बाहर एक कैंडल बना, उसके बाद यहाँ तक मतलब मार्केट में मूवमेंट दिया, करीब 25 से 30 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे मिला है मार्केट में। ये जो है मतलब प्रीवियस डे का जो है हाई ब्रेक किया है मार्केट, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें तो गैप अप मार्केट ओपन हो सकता है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा डे के चार्ट में आपको दिखाऊँ यहाँ पे देख सकते हैं डे का तो आपको थोड़ा क्लियरली समझ आएगा। देखिए मार्केट दोस्तों गिरता हुआ आ रहा था, अगर यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा, देखिए मार्केट जो है गिरता हुआ आ रहा था, एक बार मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, देखिए हाइड कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स डेली जो है मार्केट में रेड कैंडल बन रहा था, यहाँ पे देखिए ओपन होता था हाई पे और क्लोज हो जाता था लो पे, ठीक है। लेकिन दोस्तों कल क्या हुआ, ओपन हुआ लो पे और क्लोज हुआ हाई पे, ठीक है। दोस्तों कल का जो कैंडल था प्रीवियस कैंडल डे का उसको ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन पूरा ब्रेक हुआ नहीं, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे अप में जाके ये क्लोज हो गया और अभी भी दोस्तों प्रीवियस का जो कैंडल है उसको ये ब्रेक नहीं किया है। फिर भी दोस्तों अगर आज मार्केट यहाँ पे ग्रीन क्लोज हुआ है हाई पे तो दोस्तों गैप अप ओपन हो सकता है, ठीक है। और अगर स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो दोस्तों यहाँ का स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हैं 23,400 चल रहा था, हमें लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो 23,300 हमने इन द मनी में ऑप्शन जो है इन द मनी का हमने बाय किया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं 23,300 का कॉल जो है सी के साइड में हमने लिया था, तो उसको आप दोस्तों वेरीफाई कर सकते हैं। और टाइमिंग दोस्तों आप देख सकते हैं 9:27 पे हमने एंट्री किया था, 9:28 पे दोस्तों हमने स्टॉप लॉस लगाया और 9:28 में ही हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट मार्केट कैसा रहता है, नेक्स्ट डे ट्रेडिंग का क्या रहता है, वो मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इसे दोस्तों हम 30 दिन तक देखेंगे और ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको जो है प्रैक्टिस करते रहना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी दोस्तों आपका जो है मजबूत होगा, माइंडसेट क्लियर होगा, चार्ट जितना ज़्यादा आप वॉच करेंगे देखेंगे, ठीक है। ज़्यादातर दोस्तों क्लोज मार्केट में जब मार्केट क्लोज हो जाए उसके बाद आपको चार्ट देखना है ताकि दोस्तों आप सेंटिमेंट में के बाय ना कर लें कोई, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अभी तक आपने मतलब वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों 30 दिन तक रेगुलर वीडियो आपको पेपर ट्रेडिंग का मिलेगा। और किसी ने दोस्तों कमेंट करके पूछ रहा था कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं पेपर ट्रेडिंग के लिए, तो दोस्तों वो मैं यूज करता हूँ फ्रंट पेज एप्लीकेशन, तो ये काफी बढ़िया है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।